वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो गाइज आज है दिन 12 तारीख, रक्षाबंधन। तो हम लोग निकले थे भाई अपने नानी के यहाँ पे मम्मी को लेके। तो अब गाइज हम लोग वापस जा रहे हैं और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हर्षित भाई फुल टैंक में कितनी चलती है वो और करके दिखाओ एक बार। तो गाइज आज सुबह मैंने फुल कराया था टैंक, अराउंड इसमें 9.23 केजीज गैस आई थी। तो उसमें अभी मैं मेरठ जाके आ चुका हूँ, मेरठ से थोड़ा आगे भी गया था। अराउंड मैंने अभी गाड़ी कितनी चला ली वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसका पूरा आज आपको दिखाने वाले हैं लाइव कि गाड़ी कितनी चलती है और मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा मैं कितनी स्पीड मेंटेन करके चलता हूँ, कैसे चलता हूँ हाईवे पे। तो दिखाते हैं आपको मीटर की तरफ। अपना मीटर लगा हुआ है क्रूज पे एकदम, ठीक है। और आप देख सकते हो 88 पे मैंने क्रूज लगा रखी है और 145 अपनी गाड़ी चल चुकी है। यहाँ आप देखोगे तो आपको एक लाइट मिलेगी ग्रीन वाली, अभी इसके बाद एक रेड लाइट और बचती है हमारे पास जिसपे की गाड़ी अराउंड 30-40 किलोमीटर और चल जाती है। तो गाइज अब बात आती है यहाँ की, भाई ये किया सेल्टोस जैसी गाड़ी सीएनजी पे एवरेज देती कितना है। तो आप लोगों का मैं डाउट ऑन वीडियो लाइव क्लियर करूंगा क्योंकि भाई देखो आप लोगों ने मेरे सिटी में बहुत सारे टेस्ट देख लिए कि भाई सिटी में कितना देती है, 50 रुपये में कितनी चलती है, मैंने A to Z सब कर रखा है इसके साथ, लेकिन आपके साथ में अभी तक ये शेयर नहीं कर पाया कि भाई ये फुल टैंक में कितनी चलती है। तो हाईवे का माइलेज आपके सामने आने वाला है क्लियर। और 88 की स्पीड कोई ऐसी भी नहीं है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ हाईवे के हिसाब से, मैं ओके रिपोर्ट चल रहा हूँ एकदम, ठीक है। अपनी क्रूज में गाड़ी एकदम चिल बैठे हुए हैं और कोई परेशानी नहीं है, बाकी थोड़ा सा जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको सुबह उठ के जाना पड़ेगा और सीएनजी फुल करवानी पड़ेगी, वो एक कॉम्प्रोमाइजेशन है तगड़ा, ठीक है। ये नहीं है कि आप कभी भी जाओ जाके भरवा लो, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो अभी फिलहाल में अपनी गाड़ी चल चुकी है 146 किलोमीटर, आपको मिलते हैं जब भी कंप्लीट कर देगी अराउंड 160-170 किलोमीटर, उसके बाद आपको मिलते हैं हम लोग। तो गाइज अभी जो है चल चुकी है हमारी 162 किलोमीटर्स और आप देखोगे इधर तो भाई एक रेड डंडी बची है और इसके बाद अभी एक इधर अभी ग्रीन डॉट बची है और इसके बाद अभी एक रेड और बची होगी। तो गाइज अभी 162.3 इसने कर लिया है अपना और स्पीड आप देख सकते हो 92 पे क्रूज आई अभी, ठीक है। और अपना हमें शायद से भी 35-40 किलोमीटर्स और कवर करने हैं, तो वील सी इट 200 किलोमीटर चलती है या नहीं चलती। होप करता हूँ भाई 200 किलोमीटर चली जाएगी और अगर ये 9 केजीज गैस में 200 किलोमीटर कवर करती है तो ये मोटे मोटे 22-23 का एवरेज दे रही है ऑन हाईवे ऑन सीएनजी, ठीक है। तो लोकल में भी चली है, ऐसा नहीं है प्योर हाईवे है, तो ये मेरठ सिटी में भी चली है थोड़ी सी, अराउंड 10-20 किलोमीटर से मेरठ सिटी में चली है, बाकी पूरा ऑन हाईवे है। तो अभी देखते हैं अरे कितनी चलती है और कितनी नहीं चलती, ठीक है। आप एंजॉय करो तब तक एक टाइम लैप्स बढ़िया सा। तो गाइस आप देख सकते हो कि भाई अपनी गाड़ी चल चुकी है 175.4 और अभी भी अपनी ग्रीन डॉट है पूरी, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हर्षित भाई करते क्या हो यार, इतनी एवरेज देती क्यों है आपकी गाड़ी, ठीक है। आप ये देख लो एसी मेरा फुल चल रहा है 2 पे, लोग बोलते हैं अगर फैन स्पीड दे दो तो गाड़ी एवरेज कम देती है, लेकिन एसी मेरा 2 पे चल रहा है और गाड़ी 175.7 चल चुकी है अभी तक। तो यार अभी मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ ये गाड़ी अभी 210 से 212 किलोमीटर चलेगी, 220 तक भी चल सकती है। तो अब सुन लो भाई राज, सुन लो कि एवरेज का राज क्या है। सबसे पहली बात, आप अगर पूरा पंजा दबा के चलाते हो गाड़ी को तो आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देगी। मैं चलाता हूँ भाई लाइट फुट पे एकदम, और लेकिन स्पीड मेरी आप देखोगे हमेशा स्पीड ऐसे नहीं कम रहेगी, हाईवे के हिसाब से 80-90 की स्पीड मेरी आपको एनी टाइम मेंटेन मिलेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई पूरा पंजा दबा दिया और अपना पूरा लोड दे रहा हूँ गाड़ी को, ऐसा मैं कभी नहीं करता भाई। ये गलती आपकी गाड़ी के इंजन के लिए भी हार्मफुल है और एवरेज का एवरेज कम आएगा। तो भाई ये चीज़ें आप भी मत प्रैक्टिस किया करो, चाहे आप गाड़ी सीएनजी भी चला रहे हो, पेट्रोल भी चला रहे हो, डीजल भी चला रहे हो, एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मैटर करती है कि आप किस तरह के फुट से गाड़ी चलाते हो। कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरा पंजा भारी है, तो उनका पंजा भारी है तो एवरेज कम ही रहेगा हमेशा। तो गाइज ये सबसे बड़ा की पॉइंट है, गाड़ी को जौन सा गियर जब चाहिए तब उसे दो, ठीक है। 80-90 पे चल रहे छठा लगा दो, आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप जहाँ गाड़ी को चाहिए चौथा गियर वहाँ तुम लगा रहे हो दूसरा गियर, तो एवरेज क्यों देगी गाड़ी, ये बताओ आप मेरे को। अब कुछ लोग देख रहे होंगे इंजन लाइट क्यों आ रही है, भाई इंजन लाइट का इलाज नहीं है। शुरू में सीएनजी वाले आपको बहकाते हैं कि भाई
ये चली जाएगी, कुछ दिन बाद ये हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं, आपको आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, फिर आप जाते ही नहीं हो उनके पास दो तीन बार के बाद। तो इससे गाड़ी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं इसको डायरेक्टली इग्नोर करता हूँ गाइज, क्योंकि अब भाई 15-20 हज़ार चला ली गाड़ी सीएनजी पे, दिक्कत मुझे आ नहीं रही अब तक, और ऊपर वाले की दुआ से भाई कभी आए भी ना, तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है अब तक ऐसा। होप करता हूँ भाई आपको वीडियो भी अच्छी लग रही होगी, और अभी देखो एंड तो करनी करनी आज, ऐसे भी हो सकता है हम घर पहुँच जाए और सीएनजी खत्म ना हो, 200 भी चल जाए गाड़ी, तो वो एक अलग चीज़ है, आपके लक वाली बात है। ठीक है, तो अभी इसको चलाते हैं पूरी एंड तक और देखते हैं भाई कितने पे ख़त्म होती है। 178 चल रही है और अभी अपना ग्रीन डॉट बचा हुआ है, तो भाई मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। आप लोग कहते हो कि भाई सीएनजी से बढ़िया तो अभी डीजल गाड़ी ही चल रही है, मेरे भाई डीजल गाड़ी मैं खुद चला रहा हूँ, 7 रुपये पर किलोमीटर चलती है डीजल गाड़ी। आप लोग कमेंट करते हो ना कि भाई डीजल गाड़ी ज़्यादा बढ़िया है, सीएनजी में फालतू की टेंशन है, तो मेरी सुनो बात, मेरी चलती है 650 रुपये में 200 किलोमीटर, डीजल गाड़ी कितनी चलेगी 200 रुपये, कम से कम 900 का तेल चाहिए उसे 200 किलोमीटर चलने के लिए, 200 रुपये का फ़र्क है। मैं मानता हूँ 100-200 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटा फ़र्क भी बड़ा बन जाता है जब आप उसी चीज़ को लंबे टाइम तक यूज़ करते हो। ठीक है, तो गाइस होप करता हूँ आपको चीज़ मेरी समझ में आ रही होगी, और जिनको समझ नहीं आ रही भाई उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, डीजल गाड़ी से सस्ती चलती ही चलती है, 3.5-3.5 रुपये के आसपास पड़ती है मेरे को पर किलोमीटर का खर्चा। अब ये लगा लो मैं 650 रुपये मेरठ घूम के आ गया, अपना मम्मी घुमा लाया रक्षाबंधन वाले दिन, क्या चाहिए। और टैक्सी से भी जाओगे ना भाई 17-18 किलोमीटर के, कैब वाले ले लेते हैं 5-5-6-6 रुपये, अब 650 में मेरठ घूम के आ रहे हो, 180-90-200 किलोमीटर चला के ला रहे हो, क्या ही चाहिए। तो भाई इस वीडियो को एंड करते हैं फटाफट से, गाड़ी एंड तक चला के उसके बाद आपको बताते हैं कि गाड़ी ने क्या एवरेज दिया है फाइनल, तो देखते हैं अभी कब तक चल जाएगी। तो गाइज अब ये 185 चल चुकी है, और अपना जो है गिलहरी कैसे खड़ी नीचे, नहीं चली गई देखे। हाँ, तो गाइज 185 चल चुकी है ये, और अभी अपना रेड पॉइंट बचा हुआ पूरा फुल एकदम, अभी गया है वाला ग्रीन वाला लास्ट। तो उम्मीद यही कर रहे हैं भाई जो है ये 200 पार चल जाएगी पूरी, अगर 210.5 भी चलती है तो भी इसका एवरेज 23-24 का है। आप कमेंट में बताओ डिवाइड करके, 9.1 kg दिन में आई थी इसमें, ठीक है 9.1 kg आई थी, और अपनी जो है 210 आप मान लो, अप्रोक्स 205 मान लो जाए, तो इतना तगड़ा एवरेज, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप गाइज। मैं तो भाई हैप्पी हूँ इससे, बाकी आप लोगों को दिखा के मुझे भी नॉलेज देने में अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग आजकल किया में दबा के लग रही है सीएनजी, से हमने वीडियो स्टार्ट करी है बनाने की SL Toss सीएनजी फिटेड पे, तब से लोग खूब दबा के लगा रहे हैं, तो कुछ लोग भाई कमेंट भी करते हैं अर्शद भाई सीएनजी को ट्रेंड में लाएंगे। हाँ, तो भाई कोशिश तो है ही और आ भी रही है धीरे धीरे, आप लोग प्यार बनाए रखो, बाकी इसको 1.5 लाख किलोमीटर चला देंगे सीएनजी पे। बाकी अप्रूवल का ये है कि भाई जब अप्रूवल आ जाएगा तब देखते हैं, अप्रूवल करा ही लेंगे पेपर्स पे भी। तो होप करता हूँ भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून गाइस।